महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से काफी बदले नजर आ रहे हैं। नतीजे तो मनमाफिक नहीं ही आए थे, केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री की पोस्ट न मिलने से निराश और भी बढ़ने लगी। वैसे तो सूत्रों के हवाले से अब खबर ये भी आ रही है कि महाराष्ट्र में सत्ताधारी गठबंधन महायुति में सीटों के बंटवारे पर सहमति बन गई है, लेकिन औपचारिक तौर पर ये बताए न जाने से संशय बना हुआ है। हालांकि अजीत पवार ने स्पष्ट किया कि सीट शेयरिंग पर औरंगाबाद में उनके और अमित शाह की बात हुई है। कुछ दिनों में पता लग जाएगा कि बीजेपी, शिवसेना और उनकी पार्टी कितनी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अब यहां गौर करने वाली बात यह है कि अजीत पवार कभी यात्रा के बहाने तो कभी किसी कार्यक्रम में शामिल होने के कारण लगातार लोगों के बीच रहने की कोशिश कर रहे हैं और बीच बीच में ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे बीजेपी पर दबाव बढ़ाया जा सके। राहुल गांधी के मामले में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी के एक नेता का सरेआम विरोध और महाराष्ट्र बीजेपी के एक बड़े नेता का प्रोजेक्ट नामंजूर कराने में उनकी भूमिका तो यही कहती है कि किसी न किसी तरीके से वो अलग होने का बहाना खोज रहे हैं। बारामती से पत्नी सुनेत्रा पवार को चुनाव लड़ाए जाने के मामले में तो वो पहले ही अफसोस जता चुके हैं और सच तो ये भी है कि संघ भी बीजेपी के अजीत पवार के साथ आने से एक खासा नाराज है। खैर, महाराष्ट्र की बारामती लोकसभा सीट पर हुई पारिवारिक लड़ाई पर अजीत पवार का अफसोस जताना तो चलेगा, लेकिन राहुल गांधी के आरक्षण पर आए बयान का सपोर्ट तो बिल्कुल ही अलग मामला हो जाता है। अमेरिकी दौरे में राहुल गांधी के बयान पर काफी विवाद हुआ था। इंडिया ब्लॉक के कुछ नेताओं ने तो सपोर्ट किया था, लेकिन मायावती और बीजेपी नेता ने तो धावा ही बोल दिया था। इन सब के बीच अजीत पवार की तरफ से इस मामले में नाराजगी ना जताया जाना तो हैरान ही करता है। एनसीपी नेता अजीत पवार ने संजय गायकवाड़ के बयान से इतने नाराज हुए कि वो उनको मर्यादा में रहने की नसीहत देने लगे। अजीत पवार का कहना था कि सभी को अपने विचार रखने का अधिकार है, यह अधिकार संविधान बनाने वाले बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें दिया है। जब बीजेपी नेता ही नहीं बल्कि मायावती जैसे नेता भी राहुल गांधी के खिलाफ खड़े हों, ऐसे में अजीत पवार का आगे बढ़कर कांग्रेस नेता का पक्ष लेना शक तो पैदा करता ही है। बहरहाल, अजीत पवार कोई पहली बार इमोशनल कार्ड नहीं खेल रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया था। उन्होंने शरद पवार पर इमोशनल बयान दिया था, तब उन्होंने कहा था कि मैं 60 साल से ऊपर का हूँ, क्या हमारे पास मौका है या नहीं, क्या हम गलत व्यवहार कर रहे हैं इसलिए हम भावुक हो जाते हैं। अजीत पवार राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, उन्हें पता है कि कब किसका हाथ पकड़ना है और कब किसका छोड़ना है। वह चाचा शरद पवार को भी नाराज नहीं करना चाहते और बीजेपी से भी मतभेद नहीं करना चाहते। पवार खानदान का ये नेता अपना विकल्प खोल कर रखना चाहता है। वह महायुति में होते हुए बीजेपी को मैसेज देते हैं कि मेरे पास एमवीए के रूप में दूसरा ऑप्शन भी है, तो बीजेपी के साथ रहकर चाचा को पहले ही चोट पहुंचा चुके हैं।